चरवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय दो, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी प्रश्नावली 2.3 करेंगे। प्रश्न एक करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है, बच्चों यहाँ पर इस 2x को जो कि दाएं पक्ष में दिया गया है, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको बाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो बाएं पक्ष में ले जाने से दाहिने पक्ष से इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह धनात्मक है, अब चिन्ह इसके साथ ऋणात्मक लगेगा। तो इसको अब इस तरह से लिखेंगे, 3x ऋण 2x बराबर 18। 3x ऋण 2x यह x होता है, तो x बराबर 18। बच्चों x बराबर 18 इस समीकरण का हल होगा। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, तो समीकरण लिख लेते हैं, 3x बराबर 2x धन 18। इस समीकरण में x बराबर 18 रख लेते हैं, तो 3 × 18 बराबर 2 × 18 धन 18 हो जाता है। 3 × 18 54 होता है, बराबर 2 × 18 36 होता है, धन 18। 54 बराबर 36 धन 18 54 होता है। 54 बराबर 54 यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष को LHS कहते हैं, दायां पक्ष को RHS कहते हैं। LHS बराबर RHS, इसलिए यह x का मान सही है। प्रश्न दो, इसमें समीकरण दी गई है, 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। बच्चों यहां पर समीकरण दी गई है, 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। पहले तो हम 3t का पक्षांतरण कर लेते हैं। अब इस समीकरण को 5t ऋण 3 ऋण 3t बराबर ऋण 5 लिखेंगे। 5t ऋण 3t इसको हम 2t लिखेंगे, तो 2t ऋण 3 बराबर ऋण 5। अब हम यह जो ऋण 3 है बाएं पक्ष में, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको दाएं पक्ष में ले जाते हैं। दाएं पक्ष में ले जाने से इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 3 अब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाने से धन 3 हो जाएगा। तो यह समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं, 2t बराबर ऋण 5 धन 3। 2t बराबर ऋण 5 धन 3 यह ऋण 2 होता है। बच्चों अब टी के साथ 2 है, यानी 2 × t है, इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो दाहिने ओर अब यह ऋण 2 से भाग होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी बराबर ऋण 2 बटा 2। ऋण 2 बटा 2, तो टी बराबर ऋण 2 को हम ऋण 1 × 2 लिख सकते हैं, बटा 2, 2 से 2 कट जाता है। तो इस तरह से बच्चों टी का मान ऋण 1 आ जाता है। यह इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। समीकरण लिख लेते हैं, 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। टी बराबर ऋण 1 रख लेते हैं, 5 × ऋण 1 ऋण 3 बराबर 3 × ऋण 1 ऋण 5। 5 × ऋण 1 ऋण 5 होगा, ऋण 3 बराबर 3 × ऋण 1 ऋण 3 होगा, ऋण 5। ऋण 5 ऋण 3 बराबर ऋण 8 होता है, बराबर ऋण 3 ऋण 5 यह ऋण 8 होता है। बच्चों ऋण 8 बराबर ऋण 8 इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS, इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान सही है, इसलिए यह सही है। प्रश्न 3, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है,
5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। बच्चों हम 3x का पक्षांतरण कर लेते हैं तो यह 5x ऋण 3x धन 9 बराबर 5। 5x ऋण 3x 2x होता है, धन 9 बराबर 5। बच्चों अब हम 9 का पक्षांतरण कर लेते हैं तो 2x बराबर 5 ऋण 9 होगा। 2x बराबर 5 ऋण 9 ऋण 4 होता है। अब हम x के साथ 2 गुणा हो रहा है तो इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 4 बटा 2 हो जाता है। x से 2 की गुणा हो रही है तो यह अब 2 ऋण 4 बटा 2 हो जाएगा। 2 का पक्षांतरण होने से ऋण 4 बटा 2 ऋण 2 होता है। तो बच्चों इस तरह से x बराबर ऋण 2 आ जाता है। यह इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं तो इसके लिए पहले तो समीकरण लिखेंगे 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। अब हम इस समीकरण में x बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। x बराबर ऋण 2 रखने पर 5 गुणा ऋण 2 धन 9 बराबर 5 धन 3 गुणा ऋण 2। 5 गुणा ऋण 2 ऋण 10 होता है, धन 9 बराबर 5 धन 3 गुणा ऋण 2 यह 5 ऋण 6 हो जाता है। 3 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 6 ऋण 10 धन 9 यह ऋण 1 होता है बराबर 5 ऋण 6 यह ऋण 1 होता है। तो इस तरह से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यानी कि LHS बराबर RHS। इसलिए x का यह मान सही है। प्रश्न 4, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। बच्चों सबसे पहले तो हम 2z जो कि दाहिने पक्ष में है इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको बाएं पक्ष ले जाते हैं। अब यह समीकरण 4z ऋण 2z धन 3 बराबर 6 हो जाती है। बच्चों 4z ऋण 2z 2z होता है, धन 3 बराबर 6। अब बच्चों हम 3 का पक्षांतरण करेंगे तो यह समीकरण 2z बराबर 6 ऋण 3 हो जाती है। 2z बराबर 6 को 3 से घटाएं तो यह 3 आता है। अब बच्चों z से गुणा संख्या 2 हो रही है तो हम 2 को पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने से z बराबर 3 बटा 2 हो जाता है। z बराबर 3 बटा 2 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। अब इस समीकरण में हम z बराबर 3 बटा 2 रख लेते हैं। z बराबर 3 बटा 2 रखने पर यह 4 गुणा 3 बटा 2 धन 3 बराबर 6 धन 2 गुणा 3 बटा 2। बच्चों 4 गुणा 3 12 होता है और 12 को 2 से भाग करें तो यह 6 आता है। धन 3 बराबर 6 धन, बच्चों 2 गुणा 3 6 होता है और 6 को 2 से भाग करते हैं तो यह 3 आता है। 6 धन 3 9 होता है बराबर 6 धन 3 9, 9 बराबर 9। तो इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। इसलिए Z का यह मान सही है। प्रश्न 5 करते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करिए। जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। बच्चों दाएं पक्ष में x का पक्षांतरण कर लेते हैं तो यह 2x धन x ऋण 1 बराबर 14 हो जाता है। अब इस समीकरण को इस तरह से लिखेंगे 2x धन x 3x होता है,
ऋण 1 बराबर 14, बच्चों बाएं पक्ष में एक का पक्षांतरण करेंगे तो यह दाहिने तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो यह समीकरण अब 3x बराबर 14 -1 हो जाती है। अब 3x बराबर 14 -1 15 होता है। अब बच्चों हम इस 3 का, जो कि x के साथ है, यह गुणा हो रहा है, इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करने से x बराबर 15/3 आ जाता है। 15/3 बच्चों 5 होता है, तो x बराबर 5, x बराबर 5 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x, x बराबर 5 रख लेते हैं। तो x बराबर 5 रखने पर अब यह समीकरण 2×5 ऋण 1 बराबर 14 ऋण 5, 2×5 10 होता है, 10 ऋण 1 बराबर 14 ऋण 5 यह 9 होता है, 10 ऋण 1 9 होता है, 9 बराबर 9। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि LHS बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं कि x का यह मान सही है, इसलिए यह सही है। प्रश्न 6, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 8x+4 = 3x ऋण 1 + 7। बच्चों सबसे पहले तो हम कोष्टक को हटा लेते हैं। तो यह समीकरण 8x+4 = 3x से गुणा होगा तो यह 3x होगा, और 3 ऋण 1 से गुणा होगा तो यह ऋण 3 होगा। हमने कोष्टक हटा दिया है। कोष्टक हटाने से यह 3x ऋण 3 हो जाता है -7। बच्चों अब हम 3x, जो कि दाहिने पक्ष में है, इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको बाएं तरफ ले जाते हैं। तो 8x ऋण 3x + 4 = ऋण 3 + 7, यह 4 होता है। 8x ऋण 3x, यह 5x होता है, -4 = 4। बच्चों अब हम बाएं पक्ष के 4 का पक्षांतरण दाएं पक्ष कर लेते हैं। तो यह समीकरण 5x = 4 ऋण 4 हो जाती है। हम जानते हैं कि 4 ऋण 4 = 0 होता है, तो यह समीकरण 5x = 0 हो जाती है। अब हम 5 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह समीकरण x = 0/5 हो जाती है, और 0/5 0 होता है, तो x = 0, x = 0 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, जो कि 8x+4 = 3x ऋण 1 + 7 है। अब हम इस समीकरण में x = 0 रख लेते हैं। तो x = 0 रखने पर इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे, 8×0 = 3 + 0 = 1 + 7। 8×0 = 0 होता है, −3 = 0 = 1, 0 = 1 = 1 होता है, और 3 को -1 से गुणा करेंगे −7। 0×4 = 4 होता है, 3 में -1 की गुणा करें −3 आता है, −7। अब इसको आगे हम 4/(-3) में 7 जोड़ लेते हैं, तो यह 4 आता है। तो बच्चों 4/4, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS = RHS, इसका मतलब यह हुआ कि x का यह मान 0 सही है। बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 7। इसमें दिया गया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है x = 4/5 = x + 10, कोष्टक बंद। बच्चों अब यह जो दाएं पक्ष में 5 दिया गया है, 4/5, यह 5 हर में है, तो इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करने से, क्योंकि यह हर में है, तो यह x के साथ गुणा होगा। बच्चों अब यह समीकरण 5x = 4 + x + 10 हो जाती है। अब बच्चों हम कोष्टक हटाएंगे।
तो 5x बराबर 4x से गुणा होगा तो 4x लिखेंगे, और 4 धन 10 से गुणा होगा तो धन 40 लिखेंगे। अब बच्चों दाएं पक्ष के 4x को बाएं पक्ष ले जाएंगे, यानी 4x का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह समीकरण 5x ऋण 4x बराबर 10 हो जाती है। 5x ऋण 4x x होता है, x बराबर 10, x बराबर 10 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों यहां पर एक हमें त्रुटि हो गई है, 5x ऋण 4x बराबर यह 40 आएगा, तो x बराबर 40 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं, तो जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, x बराबर 4/5 x धन 10। अब इस समीकरण में हम x बराबर 40 रख लेते हैं, तो x बराबर 40 रखने पर अब यह समीकरण 40 बराबर 4/5 x का मान रखेंगे 40 धन 10, 40 बराबर 4/5, 40 धन 10 50 होता है, इसको 50 लिखेंगे। बच्चों 5 से 50 यह 10 बार जाएगा, तो 40 बराबर और 4 गुणा 10 बराबर 40, तो 40 बराबर 40, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब यह हुआ कि x की यह जो मान है x बराबर 40 यह सही है, इसलिए यह सही है। बच्चों प्रश्न 8 करते हैं, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। बच्चों सबसे पहले तो हम दाहिने पक्ष के 7x/15 इसको बाएं पक्ष ले जाते हैं, यानी कि 7x/15 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये समीकरण 2x/3 ऋण 7x/15 धन 1 बराबर 3 हो जाती है। अब बच्चों 3 और 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप्तवर्तक 15 होता है। अब 3 को 15 से भाग दें तो 5 आता है, 5 को 2x से गुणा करें तो यह 10x आता है। ऋण 15 को 15 से भाग दें तो 1 आता है, 1 को 7x से गुणा करें तो यह 7x आता है। धन 1 बराबर 3। अब बच्चों 10x ऋण 7x यह 3x होता है, 3x/15 धन 1 बराबर 3। अब बाएं पक्ष के 1 को हम दाएं पक्ष ले जाते हैं, यानी 1 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह समीकरण 3x/15 बराबर 3 ऋण 1 हो जाती है। हम जानते हैं कि 3 ऋण 1 2 होता है, तो यह समीकरण 3x/15 बराबर 2 हो जाती है। अब हम 15 जो कि बाएं पक्ष में है इसको दाएं तरफ ले जाते हैं, तो 15 का पक्षांतरण करने से यह समीकरण 3x/2 × 15 हो जाती है। तो अब यह समीकरण 3x/2 × 15 30 होता है। अब हम बाएं पक्ष के 3 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x/30/3 होगा, 30/3 10 होता है, तो x/10, x/10 इस समीकरण का हल है। अब बच्चों हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं, जांच करने के लिए पहले हम समीकरण को लिखेंगे 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। अब इस समीकरण में हम x/10 रख लेते हैं, तो x/10 इस समीकरण में रखने पर 2 × 10/3 धन 1 बराबर 7 × 10/15 धन 3। 2 × 10 20 होता है, 20/3 धन 1 बराबर, यहाँ पर 5 से 10 2 बार जाएगा और 5 से 15 3 बार जाएगा, और 7 × 2 14 होता है, 14/3 धन 3। अब बच्चों 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो 20/3 धन 1/1 बराबर 14/3 धन 3 को हम 3/1 लिखेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 3 होता है। अब 3 को 3 से भाग दें 1 आता है, 1 × 20 = 20 धन 1 को 3 से भाग दें 3 आता है, 3 × 1 = 3 बराबर। अब दाएं पक्ष में 3 से
तीन भाग कर एक आता है, 1 × 14 = 14, धन एक को 3 से भाग करें 3 आता है, 3 × 3 = 9, 20 × 3 = 23, तो 23/3 = 14 × 9 = 23 होता है, 23/3। तो इसका मतलब यह हुआ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS = RHS। इसका मतलब x का यह मान 10 सही है, हमारा उत्तर सही है, इसलिए यह सही है। प्रश्न 9, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 2y + 5/3 = 26/3 = y। बच्चों यह जो ऋण y दिया गया है दाहिने पक्ष में, इसको बाएं पक्ष ले जाते हैं, यानी कि ऋण y का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह समीकरण अब 2y + 5/3 = 26/3 हो जाती है। बच्चों 2y + 3y होता है, 3y + 5/3 = 26/3। अब हम बाएं पक्ष के 5/3 को दाएं पक्ष ले जाते हैं, यानी कि 5/3 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह समीकरण 3y = 26/3 = 5/3 हो जाती है। बच्चों अब यह समीकरण 3y = दाएं पक्ष में हर समान है दोनों परिमेय संख्याओं का, तो इनके अंतर को इस तरह से लिखेंगे 26/5/3। अब बच्चों इस समीकरण को आगे 3y = 26/5, यह 21 होता है, 21/3, 3y = 21/3, यह 7 होता है। अब बच्चों 3 का पक्षांतरण करेंगे, बाएं पक्ष के 3 को दाएं पक्ष ले जाएंगे, तो अब यह y = 7/3 हो जाता है। y = 7/3 इस समीकरण का हल होगा। हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दी गई है 2y + 5/3 = 26/3 = y। यहाँ पर हम y का मान 7/3 इस समीकरण में रख लेते हैं, तो y = 7/3 रखने पर अब यह समीकरण 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 = 7/3 हो जाती है। 2 × 7/3 यह 14/3 होगा, धन 5/3 = 26/3 = 7/3। इसको आगे हम 14/5/3 = 26/7/3 लिखेंगे। 14/5 यह 19 होता है, तो 19/3 = 26/7 यह 19 होता है, 19/3। तो बच्चों 19/3 = 19/3, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS = RHS। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, इसलिए यह सही है। बच्चों प्रश्न 10 करते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दी गई है 3m = 5m = 8/5। बच्चों दाएं पक्ष के 5m को पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं। अब यह समीकरण 3m = -8/5 हो जाती है। हम जानते हैं कि 3m = 5m = 2m होता है, √2m = √8/5। अब बच्चों यह जो √2m के साथ है यह गुणा हो रहा है, इसको हम दाहिने तरफ ले जाते हैं, तो √2 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो बच्चों m = √8/5 × √2 हो जाता है। इसको आगे हम m = √8 को हम √2 × 4 लिख सकते हैं, √5 × √2, √2 से √2 कट जाता है, तो इस तरह से m का मान 4/5 आ जाता है। तो m = 4/5 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए समीकरण लिख लेते हैं 3m = 5m = 8/5। m = 4/5 इसको इस समीकरण में रख लेते हैं। m = 4/5 रखने पर 3 गुणा
चार बटा पांच बराबर पांच गुणा चार बटा पांच ऋण आठ बटा पांच, तीन गुणा चार बारह होता है, बारह बटा पांच बराबर पांच गुणा चार बीस होता है, बीस बटा पांच ऋण आठ बटा पांच, बारह बटा पांच बराबर बीस बटा पांच ऋण आठ बटा पांच। यहाँ पर हर समान है तो इसको बीस ऋण आठ बटा पांच लिखेंगे। बारह बटा पांच बराबर बीस ऋण आठ बारह होता है, बारह बटा पांच। यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, इसका मतलब यह हुआ कि एम बराबर चार बटा पांच इस समीकरण का सही हल है, अतः यह सही है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।